कल से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में तापमान बढ़ा है। भले ही तापमान बार कम हो लेकिन सियासी तौर पर तापमान बढ़ा है और सुर्खियों में है नंद कुमार साय, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े आदिवासी फेस रहे, लेकिन अब ये अपनी पार्टी बीजेपी छोड़ कांग्रेस के हो गए हैं, कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उनके इस कदम को कांग्रेस ने एक मेगा पॉलिटिकल इवेंट भी बनाया, आतिशबाजी हुई, ढोल नगाड़ों की थाप पर सीएम के सामने उनके अब पार्टी का प्रवेश कराया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने, और अब वे कांग्रेस के हो गए हैं तो कांग्रेस सरकार की जमकर प्रशंसा की। जगह राजीव भवन कांग्रेस दफ्तर, वक्त सुबह 11:45। जिस गर्मजोशी के साथ नंद कुमार साय की कांग्रेस पार्टी में सियासी एंट्री हुई वो मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ की चुनावी बयार को बयां करने के लिए काफी है। चंद घंटों पहले तक जो चेहरा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आदिवासी बेल्ट का पोस्टर बॉय था, उसे आज कांग्रेस ने अपने साथ खड़ा कर दिया। इस सियासी बदलाव के मायने कितने अहम है इस बात का अंदाजा आप इस तस्वीर को देख कर लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले नेता प्रतिपक्ष, 3 बार के विधायक, 3 बार के लोकसभा सांसद, 2 बार बीजेपी की ओर से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले नंद कुमार साय की अगुवाई आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। राजीव भवन में ढोल ताशे के साथ स्वागत किया गया है। नंद कुमार साय सुबह 11:45 पर रायपुर के राजीव भवन पहुंचे। सीएम भूपेश, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कई मंत्रियों की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और बीजेपी को जमकर कोसा। कहा कि अब बीजेपी अटल आडवाणी वाली पार्टी नहीं रह गई। बीजेपी से उपेक्षा मिलने के बाद नंद कुमार साय ने सोशल मीडिया के जरिए भी ये बता दिया कि उम्र उनके सियासी रास्ते में बाधा नहीं बनेगी। आज मुझे जो दिखता है वो पार्टी जो अटल जी की थी, भारतीय जनता पार्टी जो आडवाणी जी की थी, बाकी बड़े बड़े नेताओं की थी, वो पार्टी उस रूप में नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि नंद कुमार साय, जिनकी उम्र 77 बरस की हो चुकी है, उनकी एंट्री से कांग्रेस इतनी उत्साहित क्यों है और इस मौके को कांग्रेस एक मेगा पॉलिटिकल इवेंट क्यों बना रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में एसटी वर्ग के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं, यानी लगभग 30% सीटों पर आदिवासी वोट बैंक का दबदबा है। नंद कुमार साय रायगढ़ और सरगुजा से सांसद भी रह चुके हैं, जसपुर जिले की तपकरा सीट से विधायक भी बन चुके हैं। आदिवासी बेल्ट में जनता के बीच उनकी अच्छी खासी पैठ है, यानी रायगढ़, सरगुजा और जसपुर 3 जिलों के आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए नंद कुमार साय, उनका अनुभव, क्षेत्र में उनकी पकड़ कांग्रेस के पाले में आ रही है। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि सीएम की अगुवाई में कांग्रेस ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत क्यों कर रही है। आदिवासियों में बड़ा नाम उनका रहा, उनके साथी के बारे में गाना चाहूंगा कि वो नमक तक नहीं खाते, अनाज तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते। अब नमक ही नहीं खाते तो किसी की नमक लग रही, सवाल ही नहीं। नंद कुमार साय के छिटक जाने से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा और इस पर बीजेपी क्या कह रही है ये भी जान लीजिए। वरिष्ठ कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता रहे हैं, उनका किसी भी पार्टी में छोड़ जाना, किसी को पार्टी से बाहर चला जाना, तो निश्चित रूप से नुकसान तो होता है। आदिवासी वोट बैंक छत्तीसगढ़ के राजनीति का वो हिस्सा है जिसके बगैर कोई भी राजनीतिक दल सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकता। ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक दल आदिवासियों के मुद्दे को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते, और यही वजह है कि नंद कुमार साय जैसे आदिवासी कद्दावर नेता की एंट्री को कांग्रेस ने मेगा इवेंट बनाया। एक चेहरे के किसी के साथ चले जाने से कितना बदलाव आएगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के सबसे पुराने आदिवासी चेहरे को अपने पाले में लाकर कांग्रेस ने बीजेपी को पॉलिटिकल शॉक तो दे ही दिया है। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।